अब प्रश्न बहुत से लोग ये उठाएंगे कि मान लिया कि तुम्हारा सनातन धर्म सनातन है, पुरातन है, नूतन है, पर क्या हमारा इस्लाम सनातन नहीं है? क्या हमारी ईसाइयत सनातन नहीं है? क्या यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी सनातन नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। जब हम इस्लाम का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ, आज से 1400 साल पहले हुआ। ईसाइयत का प्रादुर्भाव कब हुआ, आज से 2023 वर्ष पूर्व हुआ। और यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो नॉट मोर देन 5000 ईयर्स, 5000 साल पूर्व आज से कोई भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय इस दुनिया में नहीं था। तो जो सनातन की बात कर रहे हैं, जब से ये सृष्टि है तब से ये सनातन धर्म है, तब से वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म सनातन है क्यों है, क्या है तुम्हारे पास प्रमाण? तो हम कहते हैं कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ हमारे वैदिक संस्कृति का सबसे श्रेष्ठतमम कर्म है। तो जब से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने प्रथम दिन यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो बोला आज एक दिन हो गया, दूसरे दिन किया तो बोला दो दिन हो गया, एक वर्ष हो गया तो बोला एक संवत्सर हो गया, दो संवत्सर हो गए। ऐसे करते करते आज भी जब सनातन वैदिक धर्म के किसी व्यक्ति के घर में या तो किसी का जन्म होता है अथवा किसी की मृत्यु होती है, यानी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, तो यज्ञ किया जाएगा। और जब यज्ञ किया जाएगा तो एक पुरोहित आएंगे, एक ब्राह्मण आएंगे, एक पंडित जी आएंगे और यजमान को कहेंगे हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेकर के वो संकल्प पाठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एको वृंदा षण्णवती कोटयो अष्टौ लक्षाणी त्रिपंचाश सहस्राणी चतुर्विंशत्यधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायणे अमुक तिथि अमुक ऋतो अमुक पक्षे अमुक मासे अमुक दिन अमुक स्थाने उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे स्वगृहे देव यज्ञ क्रियते जम्मू दीपे आर्यवर्ते, ये सब बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये एक पूरी गणना है। ये गणना क्या है, एको वृंदा एक अरब षण्णवती कोटयो 96 करोड़ 98 लक्षाणी 8 लाख 53 सहस्राणी 53000 चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे, 124वां वर्ष चल रहा है। और ये वही गणना है जो सृष्टि के आदि में प्रथम दिन हुई थी, आज वो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 124वां वर्ष हो गया। तो ये गणना क्या है, ये गणना है सृष्टि के आदि की नहीं, ये जब से सनातन है। अच्छा, अब वैज्ञानिकों से पूछो कि ये सृष्टि का प्रादुर्भाव कब से है, ये सृष्टि कब से बनी, तो सारे वैज्ञानिक मुक्त कंठ से कहते हैं इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो गए। तो 1 अरब 96 करोड़ कितने हो गए, लगभग 2 अरब हो गए। मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी, अगर आप इसको कोट कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे ना, तो सोचेंगे कि कहाँ मिलेगा ये, पढ़ने के लिए कहीं तो लिखा होना। कोई भी पंडित जी जब आपके घर में आएगा तो वो बोलेगा संकल्प पाठ करो। दिक्कत ये है कि ना तो पंडित जी ने आपको कभी उस मंत्र का अर्थ बताया, संकल्प के बिना कोई अनुष्ठान नहीं होता, ना तो पंडित जी ने आपको ये अर्थ बताया, ना आपने उनसे पूछा। चलो ये छोड़ो, पंडित जी आए बोले ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नासुहा स्वाहा, आपने इसका भी अर्थ कहाँ पूछा? पूरे अनुष्ठान में कोई भी मंत्र होता है आप कहाँ अर्थ पूछते हैं? तो विद्यमान है परंतु हम उसकी गहराई में जाते नहीं है। इसलिए ये इस्लाम बाद में बना, ये जैनिज्म बाद में बना, बुद्ध बाद में बने, ये मोहम्मद साहब बाद में आए। हमारा जो सनातन धर्म है ये प्राचीन है, जब से सृष्टि बनी तब से है। यूजर गाइड जिसको हम बोलते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये आईफोन 15 आज 2023 में लॉन्च हुआ, तो कंपनी एप्पल की इसकी यूजर गाइड कब देगी? क्या 2026-27 में देगी? नहीं, जब प्रोडक्ट लाएगी तभी यूजर गाइड देगी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट, सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया, तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया जिसको हम कहते हैं वेद, जिसमें क्या करना क्या ना करना, विधि और निषेध की पूरी व्याख्या है। हमें बस उसको पढ़ करके उसकी गूढ़ रहस्य को जानने की आवश्यकता है।